है एवरीवन, वेलकम टू द गार्डनिंग जोन अगेन। कैसे आप सब लोग? तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग जेट प्लांट का प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपने जेट के बोनसाई की कटिंग की थी और जिससे मेरे को जेट की बहुत सारी कटिंग्स मिल गई। तो अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ इससे कि प्रॉपर किस तरह से हम लोग को जेट प्लांट की प्रोपेगेशन करना है। और ये था वो प्लांट जो कि मैंने लगाया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये एक और पॉट है मेरा जेट प्लांट का, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसकी ब्रांचेस कितनी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इतना बढ़िया रिजल्ट रहता है जेट प्लांट का। तो अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने जेट प्लांट को प्रोपेगेट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जेट प्लांट उन प्लांट्स में से एक है जो कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि डेड हो जाता है, यानी कि सालों साल चलने वाला प्लांट है। तो इसके लिए आप लोग इसकी डायरेक्टली ऐसे ही ब्रांचेस को कट कीजिए। और लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ कि जैसे कि इसके नीचे वाली जो ये लीव्स होती है इनको आप लोग काट दीजिए। मैं अगेन एक ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। ये जितना हिस्सा मिट्टी के अंदर जाना है वहाँ तक की सारी पत्तियों को आप लोगों को साफ करना है। तो उसका रीज़न ये है कि जब पत्तियाँ जो है मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आती है तब इसके ऊपर जो है फंगस का अटैक होने का डर रहता है। तो इसलिए हम लोग इसकी पत्तियों को साफ कर लेते हैं नीचे से। तो पहले इन सभी कटिंग्स की सफाई कर लेते हैं इसी तरह से। ओके, तो सभी कटिंग्स की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब टाइम है इनको पॉट में लगाने का। तो मैं अभी इन दो पॉट्स में अपनी इन कटिंग्स को लगाने वाला हूँ। एक ये वाला, ये मैंने घर पे ऐसे ही जो डिब्बे पड़े थे उनसे बनाया था। तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए यार कुछ भी। जब ये कवर कर लेगा इसको पूरा तो ये दिखाई भी नहीं देंगे, इतना ज़्यादा कवर कर लेने वाला है ये। इसको तो लगाते हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ लगा के कैसे इसको प्लग करना है मिट्टी के अंदर। ओके, तो इजी तरीका ये रहेगा कि कोई भी आप लकड़ी लीजिए, उससे एक छोटा सा छेद कीजिए मिट्टी के अंदर ऐसे, और उसके बाद में आपकी जो कटिंग है उसको डायरेक्टली आप लोग इसमें लगा दीजिए, ऐसा लगानी है। ओके, तो अभी बाकी सारी कटिंग्स को भी हम लोग लगा देते हैं। तो अभी अपनी कटिंग लग चुकी है और इतना ज़्यादा इजी है जेट प्लांट की कटिंग को लगाना, और ये बिना किसी प्रॉब्लम के अभी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। और एक काम करना आप लोगों को, और वो ये है कि आप लोग इसमें पानी डाल दीजिए ताकि मिट्टी जो है एकदम से ढंग से हो जाए, जो भी हम लोगों ने गड्ढे किए थे इसके अंदर वो एकदम से फिल हो जाए वापस से। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि जेट प्लांट का प्रोपगेशन किस तरह से करना है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। और अपने घर पे भी लगाइए जेट प्लांट की ऐसी कटिंग्स, और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ में। तब तक प्लांट लगाते रहें और हैप्पी ग्रीनरी।